अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? आप सब ठीक ठाक होंगे? आज हम आपको लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, कैमरा आपको दिखा रहे हैं कि हर तरफ सफ़ेदी सफ़ेदी है और बर्फ़बारी की वजह से दरख्तों पे, टहनियों पे, हर जगह पे, छतों पे, और सामने आपको चीड़ के दरख्त नज़र आ रहे हैं, उनके ऊपर आपको बर्फ़बारी नज़र आ रही है। और ये वो मौसम होता है जिसकी हर बंदा ज़िंदगी में एक दफ़ा तमन्ना करता है, यार मैं बस बर्फ़बारी को देख सकूं, बर्फ़बारी एंजॉय कर सकूं और उसका सर्द मौसम, ठंड एंजॉय कर सकूं। तो ऐसे ही मौसम यहाँ पे हम तो हर साल देखते रहते हैं, यहाँ पे बर्फ़बारी को एंजॉय करते हैं और इस बर्फ़बारी में हम खूब जो है खूब हम एंजॉय भी करते हैं और अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने भी जाते हैं। लेकिन ये आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं हमारे पेज के, जिन लोगों ने अभी तक बर्फ़बारी को इस तरह एंजॉय नहीं किया, तो उनके लिए ये खसूसी वीडियो है, क्योंकि पहली दफ़ा हर बंदे की यही ख्वाहिश होती है कि वो आए और बर्फ़बारी देखे और एंजॉय करें। और यकीन करें, जब फर्स्ट टाइम आप बर्फ़बारी स्नो फॉलिंग को एंजॉय करते हैं, बर्फ़बारी के मनाजर आपकी आंखों के सामने होते हैं, फिर आपको इस चीज़ की शिद्दत का एहसास नहीं होता कि सर्दी है, ठंड है, मौसम कैसा है, टेम्परेचर कितने दर्जे है, माइनस में जा रहे। तो ये आप चूंकि नहीं देख सकते, तो आपके लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं और हमारी तो दुआ है कि हर बंदा इस मौसम को एंजॉय करे, खसूसन जिन लोगों ने यहाँ पे बर्फ़बारी को देखा ही नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है। तो आप इस वीडियो को एंजॉय करें, देखें, हम तो ये चाहते हैं कि इस मौसम को एंजॉय किया जाए। और साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जहाँ के मकीन जो इस शदीद मौसम में उनके पास वसाइल नहीं होते, मतलब रहने के लिए ईंधन के लिए लकड़ नहीं होती और उनका रोज़गार भी इन दिनों में ख़त्म हो जाता है। तो उन लोगों का भी एहसास ज़रूर कीजिएगा। आप लोग दुआ तो करते होंगे इस तरह के मौसम में आने की और इस तरह मौसम को एंजॉय करने की, लेकिन ये चीज़ ज़रूर जहन में रखिएगा कि बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पे हैं जिनको मदद की ज़रूरत होती है, जो बर्फ़बारी में बहुत बेबस और मजबूर होते हैं, उनका कारोबार बंद हो जाता है या जो मजदूरी करते हैं मजदूरी नहीं कर सकते, खसूसन लकड़ियाँ अपने लिए नहीं हासिल कर सकते सर्दियों में। तो ये मैं उन लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ जो लोग बर्फ़ के लिए दुआ तो करते हैं और उनकी वह ख्वाहिश होती है कि बर्फ़बारी हो। यहाँ पे जो मकीन हैं उनके ऊपर क्या गुजरती है जब बर्फ़बारी होती है, जब उनके घर में ईंधन नहीं होता, जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं होती, तो उन लोगों का ज़रूर एहसास कीजिएगा। अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं, आपको कोई तो दोस्त है जानने वाला जो इन शुमाली इलाकाजात में रहते हैं, तो प्लीज़ उनके साथ फ़ोन पर रबता करें, उनसे पूछें मौसम कैसा है, बेशक उनसे आप वीडियोज़ भी हासिल करें, उनके साथ गपशप भी करें, उनको मिलने भी आएँ, लेकिन उनके हालात भी ज़रूर जानिएगा कि वो किस हालात में और किस किस्म के मसायब में का सामना वो किस किस्म के हालात में और किस किस्म के मसायब का सामना कर रहे हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे बहुत सारे दोस्त यकीनन ये पूछेंगे कि भाई ये वीडियो कहाँ की है और आप कहाँ से कवरेज दे रहे हैं, तो जनाब ये वीडियो है बटल में, आप बटल का नाम सुना होगा, बटल से पहले 2 किलोमीटर पहले खान होटल के पास ये जगह है और ये चिनारकोट का एक गांव है कपुरदो, वहाँ से मैं आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ। और ये वीडियो आप ज़रूर इसको देखें और ज़रूर शेयर भी करें, मेरी आप तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि साल 2019 में हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी और आप लोगों को हमने लाइव मनाजर भी दिखाए थे। इस दफ़ा फिर हम कोशिश करें कि हम आपको बर्फ़बारी के मनाजर दिखाएं और बर्फ़बारी में जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं उनके भी हम आपको तासरात बताएँ कि उन्हें यहाँ पर आकर किस तरह फील होता है, वो यहाँ पर आकर फ़र्स्ट टाइम इन्जॉय करते हैं तो क्या जज्बात अपने साथ रखते हैं। तो वो उनके साथ मैं आपको यही कहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, देखें आप अगर इस वीडियो को शेयर करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा, जब हमारा हौसला बढ़ेगा तो फिर हम आपको
اپڈیٹ دیتے رہیں گے. ہم آپ کو مختلف چیزوں کی اپڈیٹ دیں گے, یہاں کے لوگوں کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے, یہاں پہ برف باری کا موسم کب اسٹارٹ ہوتا ہے, کب ختم ہوتا ہے, اور اس برف باری میں لوگ اپنا گزر بسر کیسے کرتے ہیں, آنے کا کیا رول ہے یہاں پہ اگر آپ آئیں. ہم ہوٹلنگ کا بہت سارے دوست پوچھتے ہیں, تو ہم ہوٹلنگ کے بارے میں ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تبھی ممکن ہیں جب آپ ہماری ویڈیوز کو کمنٹ کر سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ضرور اس کو لائک کریں, شیئر کریں, اور اس سے شمالی علاقہ جات کی تیسری برف باری سن 2020 کی جنوری کی تیسری برف باری کو انجوائے کریں. میں ہوں آپ کا میزبان عادل شیرازی.